हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीडियो सीरीज। तो आज हम कुछ और एक्सेल के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमको एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी। नेम में आप एनी रैंडम नेम डाल सकते हो। अब मुझे यहाँ पे मार्क्स डालने हैं कि ए को इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ में कितने मार्क्स आए हैं। तो मुझे कोई रियल डेटा तो है नहीं, मैं भी एक इमेजिनरी डेटा ही इंसर्ट करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपके पास इमेजिनरी डेटा है, रियल डेटा है तो आप सिंपली आप रियल डेटा आप पुट करते जाएंगे। ऐसे बट हमें इमेजिनरी डेटा है, आप एक एक मार्क इंसर्ट करें। उससे अच्छा है कि आप इसमें एक फॉर्मूला लगा लें। वो फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। तो उसके लिए आपको इक्वल टू, एवरी एक्सेल का फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, देन फॉर्मूले का नाम रैंड बिटवीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटम कॉमा टॉप लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स आपको यहाँ पे एक स्मॉल नंबर इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ सपोज 25 कॉमा एडेक टॉप, मतलब एक कोई इससे बड़ा डिजिट लाइक 95। तो अब ये क्या करेगा, 25 से लेके 95 के बीच में एनी रैंडम नंबर इंसर्ट कर देगा। ओके, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये कुछ एक रैंडम नंबर आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। तो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का कर्सर आएगा। ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कर्सर लेके आना है। कर्सर का टाइप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, एक पतला प्लस क्लिक करना है और माउस से ड्रैग करते हुए नीचे आना है। सिलेक्शन बरकरार रखें और फिर से आपको ये कर्सर से क्लिक करते हुए आपको राइट में सरकाना है। और आप देख सकते हैं कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने इंसर्ट कर दिए बिना एक एक एंटर किए। बट अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। सपोज आप कुछ एडिट करने जा रहे हो, लाइक कुछ भी लिख रहे हो, तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको फिक्स करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, पेस्ट में आएंगे और ये वाला पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं, अभी आप कोई भी चेंजेस करें, ये जो नंबर्स हैं फिक्स हो गए। तो मैं आपको कुछ कर्सर के टाइप्स बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कर्सर फॉर्मूला कॉपी कर्सर कह सकते हैं आप इसको। इससे आप फॉर्मूला या वो नंबर कॉपी होता है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। ये वाला जो कर्सर है, ये सेल के बीचों बीच होगा, जो मोटा प्लस दिख रहा है, इससे आप चीजों को सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लिक करेंगे और आप ऐसे करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेल सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यही कर्सर अगर आप इस सेल के बाउंड्री पे लेके आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्सर का टाइप कुछ चेंज हो चुका है। अब आप इसको क्लिक करते हुए इधर सरकाएंगे और क्लिक छोड़ देंगे तो हम देख सकते हैं वहां का जो डेटा है वो इधर मूव हो चुका है। तो इसको बोल सकते हैं एक मूविंग कर्सर। आप फिर से क्लिक करके आप इधर कर देंगे तो हमने वापस 48 को मूव कर दिया। तो ये कर्सर के कुछ ऑफिशियल नाम तो नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मैंने रखे हैं इनके नाम। ये सिलेक्शन कर्सर हो गया, ये फॉर्मूला कॉपी कर्सर हो गया, ये मूविंग कर्सर हो गया। ओके, यहाँ पे आएंगे, अब इनकी टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इनकी टोटल निकालनी है, इन नंबर्स की मतलब सम करना है। तो उसके लिए इक्वल टू SUM, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब इनको नंबर देना है आपको, तो क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इधर क्लिक छोड़ देना है। तो ये रेंज ऑफ नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए है। ये रेंज ऑफ नंबर सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद एंड प्रेस एंटर। तो ये इसकी टोटल आ गई। ठीक है, इनकी। अब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करते हुए नीचे आना है तो ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और इन सब की टोटल आ गई। आपको सबकी एक एक नहीं निकालनी है, आपने फॉर्मूला कॉपी किया तो इन सब की टोटल निकल गई अपने आप। ओके, अब हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू ये एवरेज।
तो आपको ये रेंज ऑफ नंबर फिर से सिलेक्ट करने होंगे। ध्यान रहे ये टोटल सिलेक्ट नहीं करनी है, अपने को इस नंबर तक ही इन सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और ये एवरेज इनकी आ गई, ये इन नंबर्स की एवरेज आई है, डू नॉट इंक्लूड दिस टोटल, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि 52.2 कैसे आया, तो एवरेज मतलब क्या, तो एवरेज मतलब सम ऑफ दीज नंबर्स, मतलब इनका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब ये कितने नंबर्स हैं, तो डिवाइड बाय 5, अगर चार नंबर होते तो डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ऐसे एवरेज आता है। अगर मैं आपको मैन्युअली निकाल के बताऊं कैलकुलेटर से, 48 + 44 + 28 + 79 + 62 / 5, ओके। और फिर से अगेन आप इसको कॉपी करने का एक और तरीका है, आप सिंपली यहाँ पे जब ऐसा कर्सर आएगा डबल क्लिक कर दीजिए, ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और इन सब की एवरेज आ जाएगी। हम मिनिमम और मैक्सिमम भी निकालते हैं, इक्वल टू मिन, तो ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, दिस रेंज डू नॉट इंक्लूड टोटल एंड एवरेज, प्रेस एंटर और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये इनकी मिनिमम नंबर आ गया। अब ये मिनिमम नंबर 28 क्या है, आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 28, तो ये 28 आंसर आएगा। इनमें 37, इनमें 48, इनमें 31, ठीक है। ऐसे ही मैक्सिमम नंबर निकालेंगे, इक्वल टू max मैक्स, डबल क्लिक, सेलेक्ट दिस रेंज एंड प्रेस एंटर एंड कॉपी द फॉर्मूला, डबल क्लिक। तो हम देख सकते हैं कि इनमें इन पांच नंबरों में बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर है 79, इनमें 56, देन सो ऑन, ओके। अब हम काउंटिंग करने का फॉर्मूला देखते हैं, काउंट। अगर आपको कुछ नंबर्स को या कुछ चीजों को काउंट करना है तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सीओएनटी काउंट, आपको सिलेक्ट द रेंज, अब ये नंबर कितना भी ले सकते हैं, आप कितना नंबर लें, तो इतना नंबर लेंगे तो कितना काउंटिंग दिखाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आएगा। अगर आप इतना रेंज सिलेक्ट करेंगे तो आपको कितना काउंटिंग दिखाएगा, ये जितने भी नंबर हैं, ये 30 नंबर हैं पूरे, तो इसने काउंट करके 30 दे दिए, ओके। तो हमने जो ये एक टेबल के रूप में जो बनाया है, इसको हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, यहाँ पे अगर आप इनको चाहो तो यहाँ से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। हम यहाँ से इसको बॉर्डर देने की कोशिश करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, तो आप देख सकते हैं कुछ बॉर्डर आ गई। अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड एक थिक बॉर्डर है, फिर से सिलेक्ट करना है, यहाँ थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि आउटसाइड में एक थिक बॉर्डर आ गई। इनको थिक बॉर्डर फिर से देते हैं, रेंज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अगेन थिक बॉर्डर आउटसाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये कुछ टेबल का रूप में आ गया। अब फर्स्ट लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे पाएंगे, कोई भी आप बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। आप चाहो तो ये जो सिलेक्टेड रेंज है पहली लाइन, इसको बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, आप इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन दे सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं इनकी, यहाँ से भी आप साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज छोटी कर सकते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। बट हम इसको टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए, तो ये छूट गया, ओके कोई बात नहीं। आप इस डेटा को सिलेक्ट करके आप सेंटर पे करना चाहें या राइट या लेफ्ट अलाइन करना चाहें, और ये डाउन मिडिल एंड अप करने के लिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ओके। तो आप इस तरीके से फॉर्मेट दे सकते हैं। अब सपोज अगर आपका ये फॉर्मूला गलत हो चुका है या आपको मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आप यहाँ से भी फॉर्मूला बार में क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, इस रेंज को
अब ये रेंज सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए और नई रेंज सेलेक्ट कर दीजिए, हम एंटर कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे भी इसको डबल क्लिक करके इधर आप इस रेंज को सिलेक्ट करके मिटा देंगे और आप न्यू रेंज सेलेक्ट करेंगे एंटर, तो आप देख सकते हैं आपने फॉर्मूले को चेंज किया या एडिट किया। ओके, अब यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट करें या नहीं तो आप यहाँ फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।